नौ क्वेश्चन, 5 मिलीमीटर वस्तु काच नी केंद्र लंबाई, वस्तु काच एटले ऑब्जेक्टिव, एनी केंद्र लंबाई एफ ओ, पण ए 5 मिलीमीटर छे, सेंटीमीटर मां लखवू होय तो 0.5 सेंटीमीटर लखी शकाय। आ माइक्रोस्कोप नी मोटावणी 400 छे, मेग्निफिकेशन 400, जो तेनी ट्यूब लंबाई एल एटले ऑब्जेक्टिव ना द्वितीय फोकल पॉइंट और आईपीस ना प्रथम फोकल पॉइंट वच्चे नो अंतर 20 सेंटीमीटर, तो नेत्र काच नी लंबाई एटले के आईपीस नी केंद्र लंबाई, नेत्र काच नी केंद्र लंबाई एफ ई शोधो। अही डी नी पण जरूर पड़े, अही डी एटले 25 सेमी नजीक बिंदु, मनुष्य माटे 25 सेंटीमीटर डिस्टन्स ए एवं एक डिस्टन्स छे के ए अंतरे ए वस्तु ने सरळताथी इजीली व्यवस्थित रीते जोई शके छे, एनी आंखों ने ओछा में ओछी तकलीफ पड़े ए रीते जोई शके छे। तो अहीं अंतिम प्रतिबिंब 25 सेमी अंतरे मळे एवो प्रयास करीशुं। माइक्रोस्कोप नी मोटावणीनो सूत्र छे एल बाय एफ ओ गुण्या डी बाय एफ ई, बस आ समीकरण लगाववुं पड़शे। आना परथी आईपीस नी केंद्र लंबाई जो जोईती होय तो एल डी छेदमां एफ ओ एम, एफ ई ने ऊपर लई जईए, एम ने छेदमां अने बधी किंमतो मूकीए, एल 20 सेमी ट्यूब लंबाई छे, डी 25 सेमी नजीक बिंदु, एफओ ऑब्जेक्टिव नी केंद्र लंबाई 0.5 अने एफई, एफई आपणे शोधवानो छे, एम मोटावणी 400, तो किंमतो मूकीए अने आईपीस नी केंद्र लंबाई गणी नाखीए आना परथी, तो 2.5 सेंटीमीटर आंसर आवशे। बधी किंमतो मूकीने गणतरी करता 2.5 सेंटीमीटर केंद्र लंबाई आईपीस नी मळे। अहीं जे नजीक बिंदु छे डी, एना विशे डिटेल मां तमे 4th सेमिस्टर मां भणवाना छो, एटले ते वखते एनी चर्चा करीशुं।